नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम आप लोगों के लिए एक म्यूजिकल वीडियो लेकर आया है। म्यूजिकल सीरीज में जैसा कि हम काफी सारे वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं, गराज बैंड का भी हाल ही में एक वीडियो बनाया था, तो इसी बात पे तालियां होनी चाहिए। लेकिन लोग हंसने लगे हैं ना, किस बात पे क्या तालियां बजाओगे। सही बात है, चलो खैर छोड़ो उसे, अपन बात करेंगे आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो हम लोग जो है बैंड लैब पर बनाने जा रहे हैं। बैंड लैब पे बहुत सारे लोग कई बार कहते हैं एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था इसके लिए, लेकिन आज हम एक बीट बनाएंगे। बीट बनाने के साथ किस तरह से उसे अरेंज करेंगे ये चीज हम सीखेंगे। एक लूपर जो एक इसके अंदर फीचर दिया है बैंड लैब में, उसके सहारे हम एक बीट को कैसे तैयार करेंगे एज ए ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। हम यहां पर कमेंट्री स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, CSR का। आवाज सुनाई देगी होगी आपके पसंदीदा एलोक्वेंस की। चलिए बातें न करेंगे, सीधा वीडियो पर चलेंगे। बैंड लैब को ओपन करेंगे। बैंड लैब ओपन हो चुका है। यहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बता रखे हैं, सेम ही ऑप्शन है। नीचे जहां पर YouTube में क्रिएट का बटन होता है, वैसे यहां पर एक क्रिएट का बटन होता है, और जहां पर YouTube में होम का बटन होता है वहां पर फीड का बटन होता है, और उसके अलावा जो आगे YouTube में शॉर्ट का बटन होता है वहां पर एक्सप्लोर का ऑप्शन होता है, उसके बाद क्रिएट का बटन होता है, और उसके बाद नोटिफिकेशन, लाइब्रेरी, ये कुछ ऑप्शन होते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर New audio stretch. आपको क्या करना है, न्यू ऑडियो स्ट्रेच, AI स्प्लिटर, मतलब सॉन्ग को स्प्लिट करने वाला, वो वीडियो मैंने बनाकर दे रखा आपको। AI सॉन्ग स्टार्टर आप यहां से इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेट्रोनोम, ट्यूनर, मास्टरिंग, बीट्स कलेक्शन, बीट्स कलेक्शन क्या चीज है ये देखते हैं। Bad Lab. क्लिक करेंगे, अभी कुछ खुला नहीं है। 0-5 यहां पर Snapview. Marker button button. Waveform. Open in studio button unavailable. Open in studio. यहाँ पर ये इनकी कुछ Adjust plus button. Fast rewind button. ये rewind करने के लिए 0-5. Play button. Play करने के लिए. ये play करने का option होता है यहाँ पर. A. Loop button. Loop. Loop को इसको एक play सब accessible है, कोई दिक्कत नहीं है. Fast forward button. 1.00x. 0-5. ये स्पीड कम करने के लिए 0-5. हमारे पास अब यहां से कोई import file. यहां से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं 0-0-3-16. जैसे import file पे क्लिक करते हैं तो यहां से आपके पास अगर कोई आपके फाइल हो, जैसे कोई भी गाना आप अगर रखना चाहे तो यहां से रख सकते हैं, तो अपने फोन से भी कोई बीट उठा सकते हैं, उस हिसाब से आप यहां पर सेट कर सकते हैं। हम अभी वर्तमान में बात करेंगे। Import file 0-3-38. Create. Open studio. Open studio पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, है ना? Bad Lab. यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। Jam with bass file. Looper easily. Virtual looper easily make complete tracks. Looper easily make complete track. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सारे आपको preset दिए हुए हैं। ये देखिए। Afropella volume 110 BPM, जो आपको चाहिए, add sample button, जैसे Afrobeat party volume 3, Afrobeat party volume 2, Afrobeat party volume 1, Afrobeat party volume 4. इस सैंपल को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर आप किसी फाइल पर डबल टैप करेंगे तो अपने आप वो प्ले होने लगेगी, और राइट हैंड की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको सैंपल मिलेगा। अब देखिए, एक इंटरफेस हमारे पास खुला है जिसके अंदर आपको खूब सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो चलिए हम इसको चेक करेंगे किस तरह से होता है ये। देखिए,
Bass, 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 beats, 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 mallets, 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 percussion, 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 sample, 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 synth, 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 synth. ठीक है ना, ये कुछ नाम बोले इसने. अब हम अप टू राइट स्वाइप करेंगे तो हमें ये मिलेगा नहीं. हमें क्या करना है, अप टू डाउन स्वाइप करेंगे हम उंगली को अप टू डाउन जैसे कैरेक्टर वर्ड्स. तो यहाँ पर copying mode, paragraph, sentence, words, buttons, labels, लेबल्स. ठीक है, अब देखिएगा looper, afrobeat, pop, bass, bass. ये बेस, ये जितनी भी बेस है इसकी सारी आपको एक एक बोलेगा. bass. जैसे हमको एक बेस चालू करनी है तो दूसरी चालू करनी हो तो bass. ये पसंद नहीं है तो ये कर, ये अगर हमें पसंद नहीं है तो हम इसको हटा देंगे, इसको करेंगे. अगली चेक करते हैं. मैं अप और डाउन कर रहा हूं, ठीक है ना, डाउन कर रहा हूं, अब डाउन उंगली कर रहा हूं. जैसे करेक्टर में, करेक्टर में कर्सर लाकर फिर अपन डाउन डाउन करके करेक्टर करेक्टर पढ़ते हैं ना, वैसे एक ही बेस है ना, तो कोई भी ये रख लेते हैं. चलिए डाउन एरो करेंगे. अब बीट्स आ गया. बीट्स में पहली बीट्स ये है, अगर ये बीट पसंद नहीं है तो दूसरी करेंगे. ये नहीं तो फिर ये शानदार है ना. डाउन एरो करेंगे फिर से. अब वैलेट्स है. वैलेट्स में क्या है देखते हैं. अब देखते हैं, चलिए आगे चलेंगे. एक ये है, ये कुछ अच्छी लगी है ना, थोड़ा और चेक करें. percussion. अब percussion. ओके, शानदार है ना. इसके बाद डाउन एरो करेंगे. percussion. एक ये percussion है इसकी, दूसरी percussion. दिखाता हूं. एक percussion. Percussion. Bass, 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 beats, 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 mallets, ma, looper. Afro, bass, 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 beats, 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 ma, 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 percussion. Sample, sample, sample. Sample लगाते हैं. Sample. ये कुछ अच्छा नहीं है. अगला चेक करेंगे. ये हारमोनियम है. सैंपल. ये ज्यादा अच्छा नहीं है. percussion. सैंपल. 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 चलिए सैंपल कुछ अच्छा नहीं है, नहीं लगाएंगे ना. सैंपल. सैंपल. सिंथ. अब सिंथ देखते क्या है. एक ये है, सिद, 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 सिद. ये ठीक है ना. अब हम थोड़ा ऊपर चलेंगे. ये जो पैलेट ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसको ऊपर करेंगे. अप एरो करेंगे. अब सिद. Sam, Sam, for cut, for cut, for cut, for cut, for cut, mallets, mallets, mallets. अब शानदार है ना. अब बिल्कुल मतलब अजीब सा नहीं लगा, वो सैंपल ठीक नहीं था थोड़ा. ये हमारा सेट हो गया. अब हम चाहे तो इससे किसी को भी बंद किया चालू कर सकते हैं. अब हम रिकॉर्डिंग चालू करेंगे. रिकॉर्ड बटन. वहीं जहां क्रिएट का बटन होता है उसी स्थान पर आपको रिकॉर्ड का बटन मिलेगा. रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड बटन. रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया. शानदार रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग होने देते हैं. मिक्सर बटन.
ये मिक्सर का बटन है यहाँ पर और यहाँ पर मेट्रोनोम बटन, मेट्रोनोम का बटन है। मेट्रोनोम चालू करें। स्टॉप बटन, स्टॉप किया मैंने। अब देखिए सुनते हैं। रिवाइंड बटन, रिवाइंड करेंगे। अंडू बटन, अंडू कर सकते हैं आप इसको। प्ले बटन, और प्ले करेंगे। ये प्ले हो गया। ओके रुकेंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर इसको सेव करने का तरीका भी देखते हैं। चलिए मेट्रोनोम बटन, अंडू बटन, मिक्सर बटन, रिवाइंड बटन, लूपर एफओबीट पार्टी वॉल्यूम 3, एग्जिट बटन, arrangement screen button selected, lyric screen button, settings screen button, save. ये देखिए, arrangement screen, lyric screen button, settings screen button, save. Space 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 speed 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 save. You enter full screen. चलिए ये ऐड है। Folded hand, back button. ऐड वेड नहीं देख रहा हूँ, इधर टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, बाहर आएंगे अब इससे। Available. Back button. Do you want to save all changes before leaving studio? Save करना है आपको? Cancel button. Save button. MATLAB. ठीक है, सेव कर लिया हमने। और अब हम इसको अगर चेक करना चाहें कि हमारा कहां पर सेव हुआ ये बीट, तो फिर हम Notifications button. Library button. Library भी चलेंगे यहां पर। Collaborations. Band projects. Like music. Deleted projects. Untitled March 15th, 2024, 10:15 a.m. Techno with friends just now. ठीक है, अभी मैंने सेव किया जो just now यहाँ पर। New button. More item view button. इस पर? Untitled more item view button. Pop-up window. क्या क्या है देखते हैं? 1 project settings. 2 invite collaborator. 3 collaborators. 4 delete. 2 invite collaborators. 3 collaborators. 4 delete. 1 project setting. 4, 3, 2 invite. 1 project settings. 4 delete. Back button. यहाँ से delete भी किया जा सकता। अब इस पर double click करते हैं। MATLAB. ठीक है ना, ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन है। Anyone with this link can join and edit the project. V-click area. Copy link. कॉपी कर सकते हो। Studio. Studio. Publish this version raising hand. Publish this version, आप इसे चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं। Revision action button. यहाँ पर एक एक्शन और है, इस पे क्या है देखते हैं। ये इधर। One edit mastering selected. Edit mastering. Two revision settings. Three play next. Play next. Four download. 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 Download as. One audio. Audio. Two video. Audio में download करेंगे। New notification from BundLab file saved to downloads. File हमारी download में save हो चुकी है, मैं इसे किसी भी WhatsApp कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको चलो अपने आप को ही WhatsApp कर लेता हूँ ना। Send button. Send करते हैं। ये हमारा send हो गया। अब देखते क्या हुआ है, देखते सुनेंगे। Play button. अभी जो हमने beat बनाई वो यहाँ पर तैयार है। ओके, करेक्ट। अभी हम चाहें तो इसके साथ वोकल भी ऐड कर सकते हैं। वोकल ऐड करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। अगले वीडियो में हम आपको सीखेंगे। रुकेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे जन्मदिन की ढेर सारी। होम बटन हटा देंगे। तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से इस बीट के साथ हम गाना गाएंगे अलग अलग इफेक्ट लगाकर। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ उस पर कैसे इफेक्ट लगा गाना गाते हैं, लेकिन कुछ नए चेंजेस हुए हैं तो उन चेंजेस को ध्यान रखते हुए हम रिकॉर्डिंग करेंगे इस जो है एप्लीकेशन में BandLab में। तो BandLab के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हमने पहले भी बना रखे हैं, अब आपको एक और भी ट्यूटोरियल एक मिल जाएगा। और अगर आपको BandLab में कुछ और पूछना हो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से तो हम कोशिश करेंगे आपको और बताने की। टेक्नो विद फ्रेंड्स नेटवर्क का यही उद्देश्य है, हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि जो चीज़ आप नहीं कर पाते उसको कोशिश करके किस तरह से सेट किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजिक लवर्स हैं और उनको बीट बनाना, गाना गाना, इस तरह के मुझे बहुत शौक है, मैं अपनी बता रहा हूँ। तो आप इस तरह से इन वीडियोज़ के सहारे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगले वीडियो में हम वलोको के साथ प्रयोग करेंगे एक नए फीचर का, वो भी आपको बताएंगे। और BandLab पर हम बने रहेंगे। और एक मित्र ने कहा कि सर रीपर की सीरीज शुरू कीजिए, तो रीपर की सीरीज शुरू ही है,
जल्दी रीपर पर वीडियोस आने वाले हैं, तो वो भी आप देखिएगा। स्टॉप बटन।